हेलो दोस्तों, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मूल रूप से हम चार संक्रियाओं से परिचित हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। यह संक्रियाएं संख्याओं के बीच संबंध स्थापित करने में सहायक होती हैं। आज हम वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स और कुछ सर्वसमिकाओं यानी आइडेंटिटीज पर चर्चा करेंगे। हम सीख चुके हैं कि परिमेय संख्याएं योग और गुणन के क्रम विनिमय, साचर्य और बंटन नियमों को संतुष्ट करती हैं। दोस्तों, किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें तो प्राप्त संख्या भी परिमेय संख्या ही होती है। क्या हम भाग के लिए भी ऐसा कह सकते हैं? चलिए देखते हैं। यह रही दो परिमेय संख्याएं, यहां भाग देने पर हमें परिमेय संख्या ही मिल रही है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि हम यहाँ 2/3 के स्थान पर 0 लें और उसे 3/2 से भाग दें तो हमें 0 मिलेगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। लेकिन यदि हम 3/2 के स्थान पर 0 लें और 2/3 को 0 से भाग दें तो हमें मिली यह संख्या अपरिभाषित है, यानी यहाँ हमें परिमेय संख्या नहीं मिली। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत नहीं हैं। पर यदि हम 0 को शामिल न करें तो दूसरी सभी संख्याओं के समूह भाग के अंतर्गत संवृत हैं। अपरिमेय संख्याएं भी योग और गुणन के क्रम विनिमय, साहचर्य और बंटन नियमों का पालन करती हैं। लेकिन इन्हें जोड़ने, घटाने, गुणा या भाग करने पर हमेशा केवल अपरिमेय संख्याएं ही प्राप्त नहीं होती, यानी इन संक्रियाओं के सापेक्ष अपरिमेय संख्याएं संवृत नहीं होती। दोस्तों, इन उदाहरणों को देखकर आप यह आसानी से समझ सकते हैं। यहां परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। दोस्तों, यह तथ्य हमने केवल एक जैसी संख्याओं के बीच संक्रियाओं के प्रयोग से प्राप्त किए। चलिए अब हम एक परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच इन संक्रियाओं को देखते हैं। 4 एक परिमेय संख्या है और करणी में 19 यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या आप बता सकते हैं कि इन्हें जोड़ने पर मिली संख्या परिमेय होगी या अपरिमेय? करणी में 19 का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, इसलिए 4 धन करणी में 19 का दशमलव प्रसार भी अनवसानी अनावर्ती ही होगा, यानी यह एक अपरिमेय संख्या है। अब संख्याओं को घटा कर देखते हैं। करणी में 6 -3 यह भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि करणी में 6 एक अपरिमेय संख्या है। 2 और करणी में 5 का गुणा करने पर मिला 2 करणी में 5, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। चलिए भाग करके देखते हैं। करणी में 17 यह एक अपरिमेय संख्या है, यानी इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, इसलिए 4 से भाग देने पर मिली इस संख्या का दशमलव प्रसार भी अनवसानी अनावर्ती ही होगा, यानी यह एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, इन सभी तथ्यों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ें या घटाएं तो प्राप्त होने वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती है, और अपरिमेय संख्या में 0 को छोड़कर किसी भी परिमेय संख्या से गुणा या भाग करने पर प्राप्त संख्या भी अपरिमेय संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो करणी में ए बी बराबर होगा करणी में ए गुणे करणी में बी के। उसी तरह करणी में ए बटे बी बराबर होगा करणी में ए बटे करणी में बी के। दोस्तों, आप इन दोनों सर्व समीकरणों से परिचित तो होंगे ही। यहाँ a और b वास्तविक संख्याएं हैं। अब अगर हम पहली सर्व समीकरण में a के स्थान पर करणी में a और b के स्थान पर करणी में b रखें तो यह सर्व समीकरण हो जाएगी कुछ इस प्रकार। और अगर हमने a को a ही रखा, केवल b के स्थान पर करणी में b रखा, तो यह हो जाएगी कुछ इस प्रकार। अब हम यही प्रक्रिया दूसरी सर्व समीका के लिए दोहराएं तो यह कुछ इस प्रकार होगी। करणी में a का वर्ग धन 2 करणी में a गुणे करणी में b
धन करणी में बी का वर्ग। यहाँ करणी में ए गुणे करणी में बी हो जाएगा करणी में ए बी। और हमें मिला यह ए धन दो करणी में ए बी धन बी। दोस्तों, यदि संख्याएं करणी में ए धन करणी में बी गुणे करणी में सी धन करणी में डी इस रूप में हो तो हम क्या करेंगे? चलिए इसे भी सरल करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है। हम सामान्यतः जिस प्रकार कोष्टक को हटाने के लिए संख्याओं का गुणा करते हैं, यहां भी उसी प्रकार गुणा करेंगे, या कह लें हम योग पर गुणन के बंटन नियम का उपयोग करेंगे। और हमें मिलेगा यह करणी में ए सी धन करणी में ए डी धन करणी में बी सी धन करणी में बी डी। वर्गमूल से संबंधित यह सभी सर्व समीकाएं विभिन्न रूप से उपयोगी हैं। अगले वीडियो में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स और कुछ सर्व समीकाओं पर चर्चा की। धन्यवाद।